दोस्तों स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई काफी बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हर खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देकर आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। बात कर लेते हैं पहली न्यूज की, तो दोस्तों यहाँ पे पहली न्यूज टाटा मोटर्स की तरफ से निकल के आ रही है। हम सभी को पता है भारत के अंदर COVID-19 बहुत तेजी से यहाँ पे कहर ढा रहा है, इसी के साथ यहाँ पर यूके के अंदर भी बहुत सारी सिटीज में यहाँ पे COVID-19 का खेल देखा जा रहा है। तो टाटा मोटर्स का यहाँ पे कहना है कि उनका जो प्रोडक्शन है जैगवार और लैंड रोवर का, यूके के अंदर मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों बहुत स्लो पड़ गई है, क्योंकि यूके के अंदर भी COVID-19 के केसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्लोबली उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं जैगवार और लैंड रोवर्स के, वो पूरे करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं टाटा मोटर्स को। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का बिजनेस में आप लोगों को इफेक्ट डालता हुआ जरूर नजर आएगा, और टाटा में हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर प्राइस पे भी आप लोगों को इसका इफेक्ट जरूर नजर आए। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे वंडरेला हॉलीडेज की तरफ से निकल के आ रही है। मैंने आप लोगों को कल की न्यूज की वीडियो में बताया था कि भाई देखो बैंगलोर के अंदर वंडरेला हॉलीडेज यहाँ पे 4 मई तक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि COVID-19 केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज न्यूज निकल के आ रही है कि वंडरेला हॉलीडेज यहाँ पे कोची और हैदराबाद के अंदर भी इसके पार्क को 29 अप्रैल तक बंद कर दिया जाएगा, जब तक यहाँ पे COVID-19 की सिचुएशन को थोड़ा बहुत ठीक नहीं कर दिया जाता। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे अमर राजा बैटरीज की तरफ से निकल के आ रही है। अमर राजा बैटरीज के अंदर दोस्तों LIC ने यहाँ पर 1,99,500 शेयर्स यहाँ पे बाई किए हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.12% स्टेक, वो भी ओपन मार्केट में परचेज किया है दोस्तों यहाँ पे। तो LIC का स्टेक जो था पहले अमर राजा बैटरीज के अंदर 4.94% था, अब वो बढ़ के दोस्तों 5.06% यहाँ पे अमर राजा बैटरीज का स्टेक LIC के पास हो रखा है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण जी की तरफ से निकल के आ रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर बताया कि बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल्स है और इंश्योरेंस कंपनी है जो कि यहाँ पे कैशलेस को डिनाई कर रही है, कि मतलब जैसे मान लो कोई COVID-19 का पेशेंट है, अब उसके जो भी खर्चा आता है तो दोस्तों वहां पर अगर उसके पास कैश नहीं है तो हॉस्पिटल इलाज करने से मना कर देती है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने यही बताया कि भाई जो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज है वो कैशलेस का यहाँ पे इंतजाम जल्द से जल्द करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कैशलेस ट्रांजेक्शंस हो सके। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे यूके में एक पार्क खरीदा है जिस पार्क का नाम है स्टोक पार्क। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने 57 मिलियन पाउंड स्टेलिंग चुकाया है, अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो दोस्तों ये अराउंड 5.93 बिलियन रुपीज के आसपास बनती है। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज की बात कर लूं तो यहाँ पे विशाखा इंडस्ट्रीज की तरफ से निकल के आ रही है। विशाखा इंडस्ट्री का यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। Q4 2021 के अंदर नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 30.9 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 6.7 करोड़ रुपीस के आसपास यहां पे प्रॉफिट जनरेट हुआ था। नेट इनकम की बात कर लूं दोस्तों Q4 2021 के अंदर तो 354 करोड़ रुपीस के आसपास नेट इनकम जनरेट हुई है। पिछले साल की बात कर लूं तो 228 करोड़ रुपीस के आसपास इनकम जनरेट किया था विशाखा इंडस्ट्री Q4 2020 के अंदर। वहीं पे दोस्तों अगली न्यूज भी यहाँ पे इंडस टावर की तरफ से निकल के आ रही है। इंडस टावर का भी Q4 रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं Q4 2021 के अंदर तो 1,364 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। वहीं पे पिछले साल Q4 2020 की बात कर लूं तो 650 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों Q4 2021 के अंदर नेट इनकम यहाँ पे रहा 6,492 करोड़ रुपीज। वहीं पे Q4 2020 की बात कर लूं तो 1,682 करोड़ रुपीज के आसपास यहाँ पे इंडस टावर ने नेट इनकम जनरेट किया था। तो इस आंकड़े से देखते हुए इंडस टावर यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखाने को मिल रही है और डेफिनेटली आप लोगों को इंडस टावर में तेजी स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलेगी। अगली न्यूज की बात कर लूं तो दोस्तों यहाँ पे साइंट की तरफ से निकल के आ रही है। साइंट का भी यहाँ पे Q4 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। 103 करोड़ रुपीज के आसपास इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया।
क्वार्टर फोर 2021 के अंदर। वहीं पे दोस्तों क्वार्टर फोर 2020 की नेट प्रॉफिट की बात कर लूं तो 45 करोड़ रुपीस के आसपास था। वहीं पे नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों 1093 करोड़ रुपीस के आसपास क्वार्टर फोर 2021 के अंदर नेट इनकम जनरेट किया। और वहीं पे नेट इनकम यहां पे क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 1074 करोड़ रुपीस के आसपास यहां पे जनरेट करते हुए नजर आई। अगली न्यूज की बात कर लूं तो दोस्तों यहां पे टाटा एल्क्सी की तरफ से निकल के आ रही है। टाटा एल्क्सी का भी क्वार्टर फोर यहां पे अनाउंस हो चुका है, 115 करोड़ रुपीस के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया क्वार्टर फोर 2021 के अंदर। पिछले साल क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 82 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इनकम की बात कर लूं क्वार्टर फोर 2021 के अंदर तो 518 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया। वहीं पे पिछले साल क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 439 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने जनरेट किया था। अगली न्यूज यहां पे दोस्तों रैलीज इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। रैलीज इंडिया का भी यहां पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात कर लूं क्वार्टर फोर 2021 के अंदर तो 8.1 करोड़ रुपीस के आसपास जनरेट किया था। वहीं पे क्वार्टर फोर 2020 की बात कर लूं तो 0.7 करोड़ रुपीस के आसपास ही इन्होंने जनरेट किया था। वहीं पे नेट इनकम की बात कर लूं तो दोस्तों 471 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट इनकम जनरेट किया क्वार्टर फोर 2021 के अंदर। वहीं पे पिछले साल की बात कर लूं क्वार्टर फोर 2020 के तो 346 करोड़ रुपीस के आसपास इन्होंने नेट इनकम जनरेट किया था क्वार्टर फोर 2020 के अंदर। तो दोस्तों आज की स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई हमारे पास इतनी ही खबर थी। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट्स पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।